ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है जो आपको एग्जाम में यूजुअली पूछी जाती है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की सीली मिस्टेक होती है तो हम इस वीडियो से यह सीखेंगे कि अगर आपके क्वेश्चन में यूनिट्स दिए होंगे तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है एंड विच आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू शुड नो वाइल सॉल्विंग द यूनिट्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्टिंग एज एस कंसर्न तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर लेक्चर नंबर फिफ्थ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने पहले तो क्वेश्चन जो आपको सामने दिख रहा है दैट इज क्वेश्चन रिलेटेड विद यूनिट्स कैसे पता चलेगा कि यूनिट्स का इंफॉर्मेशन है विल रीड द क्वेश्चन केयरफुली के टी एंड कंपनी हैज प्रिपेर द फॉलोइंग बजट एस्टिमेटिंग फॉर द इ थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी वी हैव सेल्स फिफ्टीन थाउजेंड यूनिट्स वी हैव सेल्स वैल्यू एज वन लैख फिफ्टी थाउजेंड तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमको इस क्वेश्चन में सेल्स के यूनिट्स भी दिए हुए हैं सेल्स के यूनिट दिया है फिफ्टीन थाउजेंड और सेल्स का वैल्यू दिया है वन लैक फिफ्टी फिक्स कॉस्ट या फिक्स एक्सपेंसेस इज थर्टी फोर थाउजेंड वेरिएबल कॉस्ट इज सिक्स यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बी पी इन रूपीज एंड यूनिट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड रिवाइज भी बहुत सारी चीजें ढूंढनी है तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको क्या करना है आपको फॉर्मेट लिखना है क्या फॉर्मेट क्या है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मेट है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो हमें क्या मिलता है कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलता है प्रॉफिट काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट हर क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूं कि यही फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है इफ यू आर क्लियर विद दिस फॉर्मेट क्वेश्चंस बिकम वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू सॉल्व तो अभी इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं तो देखो मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट लिखा है यहां पे सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें कॉन्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें प्रॉफिट ठीक है तो सबसे पहले क्या करना है हमें कितने यूनिट्स का इंफॉर्मेशन दिया है वो देखना है फिफ्टीन थाउजेंड यूनिट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है आई एम राइटिंग ओवर हियर यूनिट्स तो आप भी ऐसे ही नोट डाउन करके रखें फिफ्टीन थाउजेंड यूनिट सेल्स का अमाउंट दिया है वन लाख फिफ्टी थाउजेंड तो एक लाख पचास हजार आपको सेल्स का अमाउंट दिया है कॉस्टशीट में आपने पढ़ा होगा कि जब हम पर यूनिट ढूंढते हैं या यूनिट्स की वैल्यू ढूंढते हैं दिस इज यूनिट्स दिस इज यूनिट पर यूनिट का कॉलम तो पर यूनिट कैसे मिलेगा अगर हम वन लैक फिफ्टी थाउजेंड को पंद्रह हजार से डिवाइड करेंगे तो आपको पर यूनिट मिलेगा दैट कम्स टू रुपीज टेन वेरिएबल कॉस्ट देख लेते हैं एक बार कितना दिया है वेरिएबल कॉस्ट आपके क्वेश्चन में सिक्स रुपीज दिया हुआ है तो वेरिएबल कॉस्ट में सिक्स रुपीज पर यूनिट दिया है तो यहां पे सिक्स रुपीज लिखूंगा अब हम क्या करेंगे अमाउंट के लिए कैसे करेंगे सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टीन थाउजेंड से तो सिक्स इंटू फिफ्टीन थाउजेंड करोगे तो गेट द वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट दैट इज नाइन्टी देन आपको माइनस करना है टेन माइनस सिक्स विल बी फोर वन लैक फिफ्टी माइनस नाइन्टी विल बी सिक्सटी थाउजेंड तो योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज सिक्सटी थाउजेंड इन अमाउंट एंड फोर रुपीज पर यूनिट फिक्स कॉस्ट आपको कितना दिया था क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट देख लेते हैं एक बार फिक्स कॉस्ट आपको दिया था फिक्स एक्सपेंसेज इज थर्टी फोर थाउजेंड राइट दैट इन दी फिक्स कॉस्ट कॉलम थर्टी फोर थाउजेंड इसका पर यूनिट कैसे ढूंढेंगे थर्टी फोर थाउजेंड को फिफ्टीन थाउजेंड से डिवाइड करना है आपको थर्टी फोर थाउजेंडिड बाई फिफ्टीन थाउजेंड दैट कम्स टू टू पॉइंट टू इथ दिस इज द फॉर्मेलिटी ये पर यूनिट कुछ काम का नहीं है फिर सिक्सटी थाउजेंड माइनस थर्टी फोर थाउजेंड करोगे तो यू गेट दी आंसर एज प्रॉफिट एंड द प्रोफि ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड तो ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड का प्रॉफिट फोर में से टू पॉइंट टू माइनस करोगे तो यहाँ पे वन पॉइंट एट का आंसर आ जाएगा ये भी ये दोनों दोनों पॉइंट्स जो अभी मैंने लिखे है दिस इज ऑल फॉर्मेलिटी तो ये हमारा कैलकुलेशन है जो आपको समझ में आना चाहिए फॉर्मेट वही यूज किया है ओनली द डिफरेंसिस वी हैव यूनिट्स गिवन इन द क्वेश्चन सिंस यूनिट्स वॉज गिवन इन द क्वेश्चन मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम प्रिपेयर कर लिया एंड द एक्स्ट्रा कॉलम इज पर यूनिट अगर हमें अमाउंट दिया है तो अमाउंट को यूनिट से डिवाइड करो आपको पर यूनिट मिलेगा और अगर हमें पर यूनिट दिया है तो पर यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करो तो आपको अमाउंट मिल जाएगा अभी हम धीरे धीरे कैलकुलेट करेंगे क्या क्या चीजें यहाँ पे पूछी है सबसे पहले हमें क्या है? पूछा है पी पूछा है पी का फॉर्मूला तो बार बार हमने सीखा है पी वी का फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इन टू हंड्रेड तो व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन अभी हमने सॉल्व किया था कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है हमारा सिक्सटी 1, 50 का सेल्स है अगर हम पर यूनिट में लेंगे तो भी आंसर आएगा छोटा सा है पर यूनिट में ले लेंगे फोर हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है. है हमारा टेन इंटू हंड्रेड अमाउंट में लोगे तो भी आंसर मिलेगा और पर यूनिट में लोगे तो भी आंसर मिलेगा तो पी वी आर कम्स टू फोर्टी परसेंट तो हमें पी वी आर मिल गया फोर्टी परसेंट तो पी वी आर आने के बाद सेकेंड पॉइंट होता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पी वी आर और यूनिट्स का फॉर्मूला क्या बताया था फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो बीपी रुपीज का फॉर्मूला क्या है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवीआर थर्टी फोर थाउजेंड को फोर्टी परसेंट से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट दी आंसर एस एटी फाइव थाउजेंड तो दिस इज द बीपी इन अमाउंट नाउ वी वी आर गोइंग टू कैलकुलेट बीपी इन यूनिट्स क्या है फॉर्मूला थर्टी फोर थाउजेंड अपना फिक्स कॉस्ट फिक्स है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन था फोर रुपीज पर यूनिट तो दैट विल बी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड लेकिन आगे आपको लिखना पड़ेगा यूनिट्स तो बी पी रूपीज भी हो चुका है पीपी यूनिट्स भी हो चुका है अगले पॉइंट में जाते हैं नेक्स्ट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला शॉर्टकट का फॉर्मूला ही यूज करेंगे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पी वी आर तो प्रॉफिट को हमें पी वी आर से डिवाइड करना है देख लेते हैं एक बार प्रॉफिट कितना है ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड पी वी आर कितना है हमारा फोर्टी परसेंट तो चलो डिवाइड कर लेते हैं प्रॉफिट है हमारा ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड पी है हमारा फोर्टी परसेंट तो ट्वेंटी मार्जिन ऑफ्टी वी है इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन एंड उसके लिए हमें सारा कैलकुलेशन फिर से करना पड़ेगा एंड द पॉइंट इज रिवाइज पी वी आर कैलकुलेट करना है बी पी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ सेलिंग प्राइस रेड्यूस बाय टेन परसेंट पी भी सोल्व करना है बीईपी भी करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कैलकुलेट करना है अगर आपकी सेलिंग प्राइस टेन परसेंट से कम होगी तो तो देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है ठीक है पहले मैं यहाँ पे यूनिट्स लिख लेता हूँ हमारे यूनिट्स कितने थे हमारे यूनिट्स थे फिफ्टीन थाउजेंड यूनिट ठीक है हमारी पहले की सेलिंग प्राइस कितनी थी टेन था टेन हमारा पर यूनिट का सेलिंग प्राइस था अभी ये टेन जो है टेन परसेंट से कम होगा तो टेन माइनस टेन परसेंट तो टेन माइनस टेन परसेंट करोगे तो आपको नाइन मिल जाएगा तो हम अभी यहाँ पे लिखेंगे पर यूनिट के कॉलम में दिस इज द पर यूनिट नाइन नाइन को मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टीन थाउजेंड से तो आपको सेल्स का अमाउंट जो मिलेगा दैट विल बी वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड सेल्स रेड्यूज हुआ टेन परसेंट से तो अभी नया सेल्स कितना होगा वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना था सिक्स था सिक्स इंटू फिफ्टीन थाउजेंड वो तो सेम रहेगा नाइनटी थाउजेंड कुछ बोला नहीं है इसीलिए नाइन में से सिक्स माइनस करेंगे तो आएगा थ्री दैट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन वन लैक थर्टी फाइव माइनस नाइनटी करेंगे तो दैट विल बी फोर्टी फाइव थाउजेंड एज द कॉन्ट्रीब्यूशन इज अमाउंट थर्टी फोर थाउजेंड का आपका फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहने वाला है पर यूनिट भी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था टू पॉइंट टू फोर्टी फाइव थाउजेंड माइनस थर्टी फोर थाउजेंड करेंगे तो प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा ग्यारह हजार और थ्री माइनस टू पॉइंट टू करेंगे तो यहां पे आ जाएगा जीरो तो पॉइंट हमें फॉर्मेट बनाना बहुत जरूरी है अगर आपका फॉर्मेट क्लियर रहे तो फिर बाकी चीजें में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगा रिवाइज पी वी आर बीपीएमओस इफ सेलिंग प्राइस रेड्यूस बाय टेन परसेंट चलो ढूंढ लेंगे फिर रिवाइज पी वी आर फॉर्मूला फॉर्मूला विल बी सेम कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड 100. हंड्रेड अस सी व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन थ्री है सेल्स नाइन है तो चलो सब्सिट्यूट कर लेंगे फिर अभी कंट्रीब्यूशन कितना है कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन थ्री है सेल्स नाइन है इंटू हंड्रेड तो थ्री डिवाइडेड बाई नाइन इंटू हंड्रेड करेंगे तो हमारा पी आ जाएगा पॉइंट में थर्टी थ्री पॉइंट थर्टी थ्री परसेंट तो ये हमारा रिवाइज पी आ चुका है थर्टी थ्री पॉइंट थर्टी थ्री परसेंट रिवाइज बीपी रूपीज में ढूंढना है फॉर्मूला वही है फिक्स कॉस्ट अपॉन पी और यूनिट्स का फॉर्मूला भी वही है फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट तो लेट अस सब्सटीट्यूट नाउ द फिक्स कॉस्ट इज सेम थर्टी फोर थाउजेंड डिवाइडेड बाई पी वी आर इज थर्टी थ्री पॉइंट थर्टी थ्री परसेंट ध्यान से सॉल्व करना ऐसे केस में आपको क्या करना है थर्टी फोर थाउजेंड को डिवाइड करना है थर्टी थ्री पॉइंट पूरे कैलकुलेटर पे आपको लेना पड़ेगा थर्टी थ्री पॉइंट थ्री 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 फिर परसेंटेज का साइन दबाएंगे तो राउंड फिगर आएगा वरना फिर आंसर थोड़ा सा पॉइंट में आ सकता है तो आपको आंसर मिलेगा वन लैक टू थाउजेंड दिस इज द बी पी इन रूपीज अब बी पी यूनिट्स करेंगे थर्टी फोर थाउजेंड इज द फिक्स कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने ढूंढा थ्री दैट विल बी फोर थाउजेंड को थ्री से डिवाइड करना है इलेवन थ्री 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 आएगा आंसर इलेवन पी थ्री थ्री पॉइंट थ्री थ्री लेकिन आगे भूलना मत लिखने के लिए दैट विल बी योर यूनिट्स तो यूनिट्स इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जब हम यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे तब आपको यूनिट लिखना है नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं रिवाइज एमओ एस भी ढूंढना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर्मूला रिमेन सेम एंड फॉर्मूलाइज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पी वी आर देख लेते हमने रिवाइज प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया है तो हमारा रिवाइज प्रॉफिट कितना आया था इलेवन थाउजेंड हमको आंसर मिला था तो चलो कैलकुलेट कर लेंगे रिवाइज एमओ एस तो यहाँ पे आ जाएगा इलेवन थाउजेंड डिवाइडेड बायर पी वी आर इज थर्टी थ्री पॉइंट थर्टी थ्री परसेंट ये भी रिकरिंग फिगर है इसको भी सेम कैलकुलेट करना तो so आंसर आ जाएगा यहाँ पे रूपीज थर्टी थ्री थाउजेंड तो थर्टी थ्री थाउजेंड इज दैल्यू फॉर योर रिवाइज वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट यूनिट्स इंफॉर्मेशन इज गिवन तो दैट्स इट फ्रॉम दिस पार्ट वी हैव वन क्वेश्चन ऑफ यूनिट्स दिस क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज योर होमवर्क ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सो दैट ये जो वराइटी आज हमने सॉल्व किया है ये आपका क्लियर हो सके और इससे रिलेटेड आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए है क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर थ्री ये आपको सॉल्व करने हैं पी को डाउनलोड कर ले और काफी अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस करें ताकि ये भी लेवल आपका क्लियर हो जाए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस वीडियो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर